क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने का तरीकाकार ये है, अगर दो एलिमेंट्स दिए हैं ना उसने, तो उनको आपने लिखना कैसे, ये जैसे टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल में इधर आपने पहले एडिशन की रिस्पेक्ट चेक करनी है, प्लस लिख लिया, फिर कितने एलिमेंट्स हैं, जीरो और माइनस वन इधर लिख लेना है, और जीरो और माइनस वन भी दूसरा भी इधर ही लिख लेना है, मतलब वो सेट के एलिमेंट हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी लिख लेना है, दरमियान में ये आ गया। अब जीरो को जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर एडिशन करना है, जीरो में जीरो जमा किया जीरो, जीरो में माइनस वन ऐड किया माइनस वन, माइनस वन में जीरो ऐड किया माइनस वन, माइनस वन में माइनस वन ऐड किया तो माइनस टू। अब ये देखें कितने सेट बन गए हमारे पास, पहला भी ठीक हो गया, दूसरा भी ठीक हो गया, मतलब ये वाला जो तीसरा, ये वाला भी ठीक हो गया, आंसर उसी में ही आया। चौथा जब हमने किया माइनस वन प्लस माइनस वन, तो वो इस सेट में से नहीं ना आया। हमने कल डेफिनेशन में पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी की, कि क्लोजर प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी में हमारे पास ये होता है कि उसी सेट में से आंसर आए, उन दो नंबर को ऐड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर भी उसमें से ही आए। तो इसमें देखें हमारे पास आंसर क्या हो गया, माइनस टू आ गया, तो माइनस टू तो उसमें आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यही प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जीरो माइनस वन, इधर मल्टीप्लाई का साइन डाल देना आपने, इधर फिर जीरो और माइनस वन, जीरो को जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया जीरो, जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जीरो, जीरो है ना, माइनस वन को मल्टीप्लाई किया जीरो के साथ जीरो, माइनस वन को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई किया वन। अब वन देखें इसमें वन तो आ ही नहीं रहा हमारे पास, इसमें जीरो और वन है, तो ये वाली प्रॉपर्टी फिर गलत होगी इसमें, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी इसमें नहीं आ रही, होल्ड नहीं कर रही ये वाला एलिमेंट, तो इसका मतलब ये ना तो अंडर मल्टीप्लिकेशन है और ना ही अंडर एडिशन है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता इसका। ये तीसरा और चौथा भी था, चौथा भी है बस, चौथा भी अच्छा, अभी माइनस वन और वो भी इधर ही कर लेते हैं हम, ऊपर ही ना यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया जी एडिशन में वन एंड माइनस वन। तो इधर भी हमारे पास आ जाएगा वन और माइनस वन, वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया वन, माइनस वन को मल्टीप्लाई किया वन के साथ वन, फिर माइनस वन को वन के साथ किया माइनस वन, माइनस वन को माइनस वन के साथ किया, ओ सॉरी हम इधर अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, क्योंकि मैं ऐड करना था, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो माइनस वन को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर वन। तो अब ये देखें, अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसके सेट में ही आ रहे हैं ना, वन और माइनस वन के अलावा तो नहीं ना आ रहे, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसमें हम एडिशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो एडिशन के रिस्पेक्ट वन माइनस वन, वन में वन ऐड किया टू, वन में माइनस वन ऐड किया जीरो, माइनस वन में वन ऐड किया जीरो, माइनस वन में माइनस वन ऐड किया माइनस टू, तो इसका मतलब ये तो ना तो टू है ना जीरो है ना टू माइनस टू है, तो इसमें तो ये वाले एलिमेंट आने चाहिए थे, तो इसका मतलब ये अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, अंडर मल्टीप्लीकेशन ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन, इसमें सर कॉमोडिटी प्रॉपर्टी, कॉमोडिटी ओके ओके, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन है, पार्ट वन हाँ सही, क्वेश्चन नंबर टू और थ्री तो सारे एमसीक्यूज हैं, चौथा पांचवा करके फिर अगले एक्सरसाइज से शुरू करें, ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं जो कल आपको प्रॉपर्टीज बताई है ना सर, करवा दें फिर भी।
नहीं, ये तो कर लेते सारी हैं, एक एमसीक्यूज दफा है। रिवीजन हो जाएगी ना उनकी। ये जो कल आपको प्रॉपर्टीज करवाई थी ना, बस उनके नाम लिखने हैं, नेम द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये देखो, यस सर। 4 + 9, 9 + 4, आपको पता था कौन सी प्रॉपर्टी है कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर इसका कौन सा पार्ट है? है फिर इसका वो सिक्स पार्ट। 6 पार्ट। अब ये देखिए, 4.1 में क्या चीज ऐड करें तो उसका आंसर 0 आता है। एडिटिव इनवर्स है ये, एडिटिव इनवर्स आगे लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें यही प्रॉपर्टी है ना कि 4.1 में -4.1 में ऐड करेंगे, 4 -4.1 उसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है, तो वो ऐड करेंगे तो उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सातवां। सातवां। सातवें में देखें, ए में -a वही एडिटिव इनवर्स है। नेक्स्ट, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां। ठीक हो गया। नौवें में हमारे पास आ रहा है ए इंटू बी -c। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, आपने कल पढ़ा था ना, ए प्लस बी इंटू सी। अब हमारे पास इंटू में हमारे पास इधर आ गया, सॉरी ये गलत लिखा गया, एक मिनट, यहाँ पे इंटू आना था, यहाँ पे प्लस आना था। तो अब ये हमारे पास था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला, क्योंकि कल आपको पढ़ाया था, अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये इसमें हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अब ये देखें, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला, दो फंक्शन जब दो ऑपरेशन आ जाए ना, मल्टीप्लीकेशन भी आ रहा है और सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है, तब उसको हमने आंखें बंद करके कहना है ये डिस्ट्रीब्यूशन ला है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी है। तो अब ये हमारे पास देखें, डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला है, लेकिन कौन सा है विद रिस्पेक्ट टू, इन्होंने ये नहीं बताया आगे, ये आना था विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अगर इधर एडिशन होता तो हमने बताना था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब नेक्स्ट वाला ये देखो, अब ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। जस्ट उन प्रॉपर्टीज के नाम लिखने हैं ये पेपर में, मतलब प्रॉपर्टी जो आपको बताया था वो ट्रिचोटोमी जो हमने कल की थी, और वो जो की थी दूसरी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और इसका 11वां। अब ये तो आपको पता है एसोसिएटिव लॉ है, तीनों में अगर मल्टीप्लाई आ जाए या एडिशन आ जाए तीन एलिमेंट्स के दरमियान, तो वो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूरा ही है। कहता है फॉलोइंग द प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। अब ये देखें, कहता है ये हमने प्रूव करना है इसके बराबर, हमें तो पता है वैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि जी हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम सी आ गया, ऊपर वाली दोनों चीजें ऐड कर दी, नॉर्मली जो हम करते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, अब इस पे लाज लगाने हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़े हैं, तो वो लॉ अप्लाई करके तो हमने इसको देखना है, ये चीज लेके आनी। अब ये देखें, इसको हम लिख सकते हैं ए ओवर सी, ए इंटू 1/c, बी ओवर 1/c। 1/c दोनों में से कॉमन जब आ जाता है, तो जब कॉमन आ जाएगा तो तब हमारे पास इस पे कौन सा लॉ लगेगा, ए और बी दरमियान में आ गया, प्लस ए प्लस बी आ गया, 1/c बाहर मल्टीप्लाई में आ गया, तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग गया। तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग गया, 1/c के नीचे आ जाएगा, थ्रू सब के नीचे आ जाएगा। तो ये हम जस्ट प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा के ये राइट हैंड साइड हम बनाते हैं। वैसे तो आपको बताया कि ये आप डायरेक्ट आ कहते हैं कि सी एलसीएम है, ए प्लस बी जी इसका आंसर है, लेकिन उसने प्रॉपर्टीज अप्लाई करके बेसिकली ये जो हम क्वेश्चन करते हैं उसमें पीछे ये सारी प्रॉपर्टी ये वाली यूज होती हैं, उसमें हम नॉर्मली लिखते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सर दूसरा पार्ट। इसका दूसरा पार्ट भी है, ठीक हो गया। अब ये देखें, इसके नीचे क्या है हमारे पास, 1/, कल हमने इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल की थी, एग्जाम्पल नंबर 6 याद हो अगर आपको, तो उसमें हमारे पास देखें, अगर इधर बी है तो इधर क्या साथ आना चाहिए, डी, अगर इधर हमारे पास डी है तो इसके साथ क्या आना चाहिए, बी, फिर इनका एलसीएम सेम होगा ना, तो हमने क्या किया, ए ओवर बी ये एज इट इज, सी ओवर डी लेफ्ट हैंड साइड,
मल्टीप्लाई बाय वन, वन के साथ तो हर एक कोई मल्टीप्लाई हो ही सकते हैं। इधर देखें अब इसके साथ क्या लाना था हमने, डी, तो डी इंटू वन ओवर डी करेंगे तो ये वन ही बन जाएगा ना दोबारा। तो इसके साथ हमने क्या लेके आना था, बी, तो इसके साथ हमने क्या किया, बी इंटू वन ओवर बी। अब ये देखें बी और ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, इधर डी डी मल्टीप्लाई हो गया। अब उसी मेथड से ये जो प्रीवियस में यूज किया है ये वाला मेथड, अब इस मेथड में देखें हमारे पास ए डी और बी सी ये दोनों में कॉमन आ रहा है, वन ओवर बी डी, वन ओवर बी डी, वन ओवर बी डी, दोनों में से कॉमन लेके उस पे डिस्ट्रीब्यूशन ला लग जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास रह गया ए डी प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाय वन ओवर बी डी, तो एट द एंड ये वन ओवर बी डी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5। ये जस्ट मतलब इसमें ना प्रॉपर्टीज हमने करनी है, इसमें से एमसीक्यूज ही आते हैं, ये जो क्वेश्चन अभी किया है ना हमने इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज इट इज वो है, उसमें ए बी सी दिया हुआ था, इसमें हमारे पास न्यूमेरिक्स दिए हुए, नंबर दिए हुए, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब देखो नीचे है 12 और इधर क्या है 18, 12 को किससे मल्टीप्लाई करें, 36 बनेगा, 3 से। 18 को किससे मल्टीप्लाई करें, 36 बनेगा, 2 से। मतलब बेसिकली हमने इधर भी 36 बनाना था, इधर भी 36 बनाना था, तो वो देखना था हमारे पास किस चीज़ की कमी है, 3 की मल्टीप्लाई करने की। हमने क्या किया, उसी तरह प्रॉपर्टी लगाई, 1 आ गया, 3 इंटू 1 बाई 3, इधर क्या चाहिए था, 2 इंटू 1 बाई 2 कर लिया, तो इधर से हमारे पास नीचे प्रॉपर्टी क्या बन गई, 36, इधर भी 36, ऊपर क्या बन गया, 21, इधर क्या बन गया, 10। तो इन दोनों को मतलब वही प्रॉपर्टी फिर अगेन लगाओ तो हमारे पास इधर से जवाब वही बन जाएगा जो राइट हैंड साइड है हमारे पास। जी आप साहब नेक्स्ट। खत्म हो गई है सर एक्सरसाइज। ओके नेक्स्ट है सर एग्जाम्पल नंबर 1 दूसरी एक्सरसाइज की। सर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आपको पता है ना अच्छे से। अच्छा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हम चेक कर लेते हैं कि दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऐड करते हैं जेड, इनकी प्रॉपर्टीज ना ये आपके इधर पेज पे लिखी होंगी, पेज नंबर 9वां 10वां है पता नहीं, कोई इस तरह का पेज नंबर है, तो उस पे मतलब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है कि इसका कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट का मतलब आपको पता है कि उसका एटा का साइन चेंज होता है, डबल कॉन्जुगेट ले लें तो वो खत्म होकर दोबारा ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है, इस तरह की इसकी प्रॉपर्टीज हैं जेड की। जेड में जब जेड कॉन्जुगेट ऐड किया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है, रियल नंबर। जेड में से जब जेड कॉन्जुगेट माइनस किया जाए तो तब हमारे पास आता है इमेजिनरी नंबर 2a/y। तो इस तरह की इसकी प्रॉपर्टीज है। इसी तरह इन दोनों फंक्शन का जब हम कॉन्जुगेट, ये एक z1 है ये z2 है, इन सारे का कॉन्जुगेट लें तो दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग आ जाता है, z1 का कॉन्जुगेट अलग, z2 का कॉन्जुगेट अलग, ये प्रॉपर्टीज है इसकी ना जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी प्रॉपर्टीज है ये। अब ये देखिए एओटा की जो है ना पावर का कंसेप्ट थोड़ा सा, एओटा स्क्वेयर तो आपको पता होता है ये हमारे पास -1 के बराबर होता है, ये बेसिकली इधर से निकला था एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -1, ये था एक्स स्क्वेयर प्लस 1, वो जब हमारे पास रूट्स फाइंड आउट कर रहे थे तब हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -1 हो गया, तो इधर से बन गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 का आपको पता है आंसर नहीं आता, तो इसका नाम उन्होंने रख दिया एओटा, एओटा रख दिया। तो अब एओटा स्केयर जब हम करते हैं इसका नाम तो हमारे पास आ गया एओटा, -1 का अंडर रूट एओटा हो गया, जब इसका स्केयर करेंगे अंडर रूट खत्म हो जाएगा ये लिखा हुआ है,
तो ये योटा बन गया हमारे पास माइनस वन। जब इसकी पावर थ्री होगी तब ये बन जाएगा हमारे पास एओटा स्केयर, मतलब इसको स्केयर वाली पावर में कन्वर्ट करना है, एओटा स्केयर सात एओटा, ये आ गया हमारे पास माइनस वन और सात एओटा, माइनस एओटा बन जाएगा ये हमारे पास। और फिर उसके बाद हमारे पास एओटा स्केयर की, एओटा की पावर फोर क्या होगी, एओटा मतलब इन शॉर्ट हमें जिसकी वैल्यू पता है ना उसमें कन्वर्जन करनी है हमने इसकी, इसकी कन्वर्जन हमने करनी है एओटा स्केयर में। एओटा स्केयर में कन्वर्जन इसलिए करनी है क्योंकि उसकी वैल्यू हमें नाउन है माइनस वन। एओटा स्केयर की पावर अगर ये पूरी पूरी बन जाती है ठीक है, अगर नहीं पूरी बनती है तो बाकी हमने साइड पे लिख लेने हैं। एओटा की मतलब टू की पावर टू, ये डर्टी फोर बन गया, माइनस वन की पावर टू ये बन गया वन। फिर इसी तरह एओटा की पावर सिक्स है, फाइव है, एट है, तो ये सारे के सारे हमने पावर किस में लेके आनी है, पावर हमने लिखनी है एओटा की पावर टू और होल की पावर थ्री, टू थ्री जार सिक्स, एओटा की पावर टू टू जार फोर, और ये एक पावर रहेगी फाइव होने के लिए। तो ये हमारे पास ऐसे रिक्वायर्ड इनके रिजल्ट आते हैं। पावर ऑफ एओटा ठीक हो गया। अच्छा भी फिर ये हो गया, हाफ साहब इसका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये है फिर क्वेश्चन नंबर फोर का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फोर का पहला और चौथा पार्ट, तीसरा भी है। हेलो सर, क्वेश्चन नंबर फोर का पहला पार्ट। ओके okay. सर आपने कहा था एक हमारा रिटर्न टेस्ट भी लेंगे। हाँ जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैंने फ्राइडे वाले दिन आपको सरप्राइज टेस्ट लेना है आपका चैप्टर नंबर फोर पूरे का। अच्छा ठीक है, आपने बता दिया, फिर सरप्राइज कैसा हुआ? अच्छा वही मैं पूछने लग रहा था, बताने के बाद सरप्राइज कौन सा हुआ। चलो, और मैंने आपको बता दिया सरप्राइज, मैंने कहा बता ही दें तो अच्छी बात। ओके, नहीं ये रिटर्न ही होगा ना, रिटर्न ही होगा, रिटर्न ही होगा, मैं लिख के डालना सेंड कर सर। दूंगा ना उसमें ग्रुप में। ठीक है सर। अच्छा अभी ये देखें हम, किधर गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर फोर, कहता है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। अभी जैसे हमने एओटा की पावर को सिंपलीफाई किया है, एओटा की पावर नाइन है हमारे पास, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आपको बताया था एओटा की पावर टू में कन्वर्जन करनी है इसकी, एओटा की पावर टू की पावर फोर ये बन गया एट। या नॉर्मली कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं, ये कर लेते हैं अंडर रूट नाइन और इधर लिख लेते हैं किस पे डिवाइड करना है, टू पे, टू फोर जार एट और वन बच गया। अब उन्होंने लिखनी है ये एवटा की पावर, ये वाली तो टू लिखना ही लिखना है, और होल की पावर आ जानी है फोर और एक रिमाइंडर बच गया तो वो एवटा सात। ऐसे एवटा की पावर टू की पावर फोर सात एवटा, एवटा स्केयर होता है हमारे पास माइनस वन, माइनस वन की पावर फोर सात एवटा, आंसर हमारे पास आ गया एवटा। हाफ साहब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, फोर पूरा सर, तीसरा और चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा और चौथा। चौथा सर सारे बच्चों की बुक से कंफर्म कर लें, ये लिखा हुआ है ना। चले यही होगा। अच्छा भी ये देखें, जब आपको पता है कि एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो, इनकी पावर टू है, तो हम इनकी पावर अलग अलग कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये देखें इधर माइनस वन है एटा है, इधर हमने क्या कर लिया, माइनस वन और एटा अलग अलग कर लिया, इन दोनों की पावर भी अलग अलग हो जाएंगी। आपको पता है माइनस, जब भी माइनस वन आता है उसकी पावर अगर इवन हो तो वो माइनस अब्जॉर्ब हो जाता है, अगर उसकी पावर ऑड हो तो उसकी माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस आ गया हमारे पास बाहर। एओटा की पावर 19, एओटा की पावर 19 को आपने उसी तरह
उसी तरीके से कर लो, 19 है तो ये हमारे पास आ गया 2 9 18 और 1 पावर रहेगी, एओटा की पावर 2 ये लिखा है, एओटा की पावर 2 की पावर 9 और 7 एओटा, एओटा की पावर 2 -1, 9 उसकी पावर फिर ओड आगी, माइनस उसका फिर बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, और रिमेनिंग आंसर हमारे पास रह जाएगा ओनली एओटा। ये थर्ड और फोर्थ है, फोर्थ इसका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट जी है पेपर, सर। हाँ पेपर में काफी मरतबा आ चुका है, कभी एमसीक्यूज में आ जाता है कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आया है। अब ये देखें, अभी हमने पावर्स का ऐसे ही कंसेप्ट देखा है, अब इसमें हमने क्या करना है, -1 की पावर उसने दे दी है -21/2, इसकी पावर पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको ओवर में लेंगे, ओवर में लेके जाने के लिए बाद में हमने क्या किया, 1/2 हमने कर लिया, 21/2 था ना, तो 1/2 उसकी पावर लग लिख ली, 21 लग लिख ली, और -1 हमारे पास क्या होता है, -1 किसके बराबर होता है, -1 हमें पता है एओटा स्क्वेयर के बराबर होता है, तो इसकी जगह हमने एओटा स्क्वेयर लिखा, जब इसकी जगह हम एओटा स्क्वेयर लिखेंगे ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, इधर एओटा रह जाएगा, एओटा की पावर कितनी आ गई, 21, एओटा की पावर 21 आपको रिजोल्व करने का तरीकाकार अभी बताया है, एओटा की पावर रिजोल्व करने का 2 की पावर 10 20 और 1 पावर आ गई, पावर इवन है तो माइनस अब्जॉर्ब हो जाएगा, एओटा आंसर आ गया। और ये बात आपको पहले भी बताई हुई है कि जब भी हमारे पास दो चीजें ओवर में आए ना तो उसको रैशनलाइज करना है हमने, कौन कौन सी, एक तो हमारे पास अंडर रूट ओवर में नीचे नहीं आना चाहिए, उसको रैशनलाइज करते हैं हम, ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ना, और दूसरा हमारे पास एओटा वाली जो फॉर्म है वो ओवर वाली फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, एओटा कभी भी ओवर वाली फॉर्म में नहीं होना, 1/8 है इसको इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट क्या होता है, अभी आपको बताया था अगर जेड है, जेड हमारे पास है एक्स प्लस एओटा वाई, तो जेड कॉन्जुगेट हमारे पास होगा जस्ट एओटा वाले का साइन चेंज करना है, एक्स माइनस एओटा वाई, तो इसमें अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, कॉन्जुगेट इसका क्या बनता है, एओटा का साइन चेंज करो, माइनस एओटा इंटू माइनस एओटा, तो ऊपर बन गया हमारे पास माइनस एओटा, नीचे बन गया हमारे पास माइनस एओटा का स्क्वेयर, एओटा स्क्वेयर किसके बराबर होता है, -1 के, नीचे -1 आ रहा है तो माइनस पहले ही आ रहा था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, माइनस एओटा आंसर आ गया हमारे पास, माइनस एओटा जी। हाफिज साहब नेक्स्ट, नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट ओके अच्छा, अभी कह रहा है राइट इन टर्म ऑफ एओटा, एओटा की फॉर्म में लिखना है इसको, जस्ट इसको एओटा की फॉर्म में लिखना है, मतलब अगर हमारे पास अंडर रूट आपको पता है अंडर रूट जो है -1 ये एओटा की फॉर्म में होता है, इसका कौन सा पार्ट है, सर पहला पार्ट है, पहले पहला पार्ट के ठीक अलावा और तीसरा पार्ट है। है। अब ये देखें एओटा की शक्ल में लिखना है, -1 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, एओटा के बराबर होता है, तो एओटा बी जवाब आ गया। फिर तीसरा, तीसरे में ये देखें 16/25, अब ये तीन टर्म्स आ गई हैं अंडर रूट के अंदर, -16/25, अब आपको अभी बताया है मैंने कि आप सबको अलग अलग कर सकते हैं, -1 इंटू 16/25 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट अलग लिख लें, और ये मल्टीप्लिकेशन में होता है एडिशन में नहीं, 25 अलग ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 का अंडर रूट एओटा, 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, तो 4/5 साथ क्या आ गया एओटा, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। और आप साहब और है सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8
अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास, उसमें हमने करना है इनकी मल्टीप्लिकेशन। जैसे अब हम सब्ट्रैक्शन जीरो थी ना, वो तो सिंपल है, हमने पहले में आयोटा वो ये देखें, जेड अगर हमारे पास होता है एक्स प्लस एओटा वाई, तो जेड कंजुगेट हमारे पास होता है एक्स माइनस एओटा वाई। तो इन दोनों को अगर कहता है प्लस करो, प्लस में हम क्या करते हैं, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करते हैं, इमेजिनरी में इमेजिनरी, तो ये सिंपल होता है। अगर माइनस करें फिर भी यही कंसेप्ट रहेगा हमारे पास, लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की, तब इसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तब इसका कंसेप्ट ये आता है हमारे पास, अगर ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है। अब इसमें हमारे पास जो हमने करना है, एक्स वन को एक्स टू के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस, ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर जो जेड है ना, उसको हम तीन तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका कार लिखा हुआ है, एक हमारे पास है एक्स प्लस एटा वाई, एक इसको लिख सकते हैं एक्स ब्रैकेट में ऐसे ऐसे लिख लें आप, ये वाली ब्रैकेट जो हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, इसमें पहला आंसर हम लिखते हैं एक्स और वाई का, लेकिन ये ओटा वाली फॉर्म में भी हमारे पास लिखा लिख सकते हैं इसको ना, ये पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट हम यूज करते हैं एक्स प्लस एओटा वाई। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसमें देखें ये हमारे पास 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ और माइनस पहला पहले से दूसरा दूसरे से, ये देखें पहला पहले से मल्टीप्लाई हुआ दूसरा दूसरे से, उसमें से माइनस कर दिया हमने, दरमियान में आ गया कॉमा। फिर अब पहला पहले से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब पहले को मल्टीप्लाई करना है हमने दूसरे वाले से, प्लस दूसरे को तीसरे वाले से, उन दोनों को प्लस, पहले के दरमियान में माइनस दूसरे के दरमियान में प्लस, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस करेंगे इनको, तो ये 36 और माइनस ये आ जाएगा हमारे पास। इनका मतलब बनता है एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू कॉमा एक्स वन वाई टू प्लस वाई वन एक्स टू, ये इनकी मतलब प्रोडक्ट का जो, ये एमसीक्यूज भी आते हैं कि इनकी जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होती है। जी हाफ साहब नेक्स्ट। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करके बात करते हैं क्योंकि क्लास का टाइम हो गया अगली का। क्वेश्चन नंबर 9 वही, फिर वही फार्मूला, 5 को -3 से मल्टीप्लाई किया -15, दरमियान में माइनस आ गया, 4 2 8, माइनस माइनस वो प्लस हो गया। फिर 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया -10, तो जो नेक्स्ट है हमारे पास 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस +12, तो -15 में -8 ऐड किए -23, 10 और ये माइनस सब्ट्रैक्ट किए इनको, ये 2 आंसर आ गए। मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस था ये, एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से ना, ज़्यादातर वो नीचे वाला आता है ये वाला डिवीजन वाला, बाकी हम इंशाल्लाह फिर कल करेंगे क्योंकि अगली क्लास का टाइम हो गया है। सर कल टेस्ट ले लेना। नहीं, कल फिर डिस्कशन करेंगे कल इंशाल्लाह, तो टेस्ट आपका हो जाएगा इंशाल्लाह मंडे, उसको फ्राइडे को ना। अच्छा फ्राइडे को, सही भैया आप अभी दे दो बेशक।